Hi everyone. Today we will study laws of motion, that is we will study now dynamics. This in previous lecture we have studied kinematics. Kinematics is the motion in which we do not study the cause of motion, ki motion ho raha hai to kyon ho raha hai, lekin dynamics ek aisa motion ka part hai jisme hum ye study karte hain ki agar koi motion ho raha hai to kis wajah se ho raha hai. We study the cause of motion. और कॉज ऑफ मोशन स्टडी करने के लिए हमारे पास फोर्स है और एक टॉर्क होता है. टॉर्क इज नथिंग बट रिवॉल्विंग फोर्स. फॉर एग्जांपल फैन मूव करता है, तो फैन मूव करता है ना, तो फैन जब मूव करता है फोर्स लगा रहा है हर जगह पे. जैसे डोर है, डोर को मैं ओपन या क्लोज करूंगा, तो उस केस में हम क्या कहते हैं उसको, टॉर्क कहते हैं, रिवॉल्विंग फोर्स कहते हैं टॉर्क को जनरली. और मूवमेंट ऑफ फोर्स भी जनरली उसी टर्म में यूज करा जाता है. अब जब हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास फोर्स बेसिकली होता क्या है. फोर्स इज नथिंग बट push and pull are known as forces. Push and pull are known as forces. ये तो हमने बचपन में पढ़ा था. लेकिन बेसिकली है क्या फोर्स, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट मैच चल रहा है, उस क्रिकेट मैच में जो बॉलर है वो बॉलिंग करेगा, तो बॉलर जब बॉलिंग करता है तो अपनी फोर्स लगाता है उस बॉल पर, और जो बैट्समैन होगा वो उस बॉल को खेलता है. तो अगर वो डिफेंस करता है तो वो क्या कर रहा है कि ही इज मेकिंग द मूविंग बॉल स्टॉप. और एक चीज और कर सकता है, वो सिक्सर मार सकता है उस बॉल पे. अगर वो सिक्सर मारता है तो उस केस में क्या हो रहा है कि जो बॉल है उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है. ही कैन इंक्रीज द, मतलब फोर्स कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट. या फिर वो ये कर सकता है कि वो बॉल को जब खेलेगा, या तो ऑन ड्राइव या ऑफ ड्राइव कहीं भी खेल ले, तो उस केस में क्या होगा कि वो उस बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है बेसिकली. तो यहां पर हमने एक चीज नोटिस करी कि फोर्स कैन मेक द मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप. फोर्स कैन मेक एनी rest any body which is at rest in motion. For example, एक बॉल है और बॉल रेस्ट पर रखी हुई है, तो एक बच्चा आया उसने बॉल को किक करा, तो उसमें क्या कर रहा है वो कि फोर्स लगा रहा है वो उस बॉल पे, और वो बॉल रेस्ट से मोशन में आ गई. तो उसी तरीके से अगर वो बॉल, जैसे बॉलर ने जब बॉल करी थी तो उस केस में क्या करा था, उसने स्पीड, उस बॉल को बहुत स्पीड से फेंका था, और बैट्समैन ने फोर्स लगा के उस बॉल की स्पीड को कम कर दिया था, या फिर उस बॉल को रोक दिया था, डिफेंस कर दिया था, रेस्ट में डाल दिया था, या फिर उसको मूव करवाया था, या उसके डायरेक्शन को चेंज करा था. एक और चीज हो सकती है, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे जब मम्मी रोटी बनाती है तो आटे को क्या कहते हैं, मुक्का मारती है ना, कूदती है, तो उस केस में क्या होता है, आटे की शेप और साइज चेंज हो जाता है. तो ये भी एक फोर्स का, फोर्स इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में आ जाता है कि फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. या फिर आप बॉल का एग्जांपल ले लो कि प्लास्टिक की बॉल है, उसे खेला तो बैट्समैन उसको ऐसे मारा कि उसकी शेप में चेंज आ गया. अब यहां पे हम देख सकते हैं कि पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स. पुश एंड पुल तो हमें बचपन में पता आ रहे हैं कि इट इज नोन एज फोर्स. और यहाँ पे देखिए कि कैसे बच्चा उसको, बच्चा फोर्स लगा रहा है और वो उस पर लीन होके उसको रोक रहा है. यहाँ पे देखिए आप उसको वैगन को पुश कर रहा है, यहाँ पे पुल कर रहा है. तो पुल में क्या हो रहा है कि वो फोर्स लगा रहा है, टेंशन. जो पुलिंग फोर्स है वो टेंशन है. टेंशन कुछ नहीं होती, मैं अभी बताऊंगा आपको वो होता क्या है. फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी याद रखिएगा, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है. अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने बता भी रखा है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं. जैसे सपोज मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, अब इस ब्लॉक पे मैं फोर्स लगा रहा हूं एफ. तो अगर ये मास इसका सपोज एम है तो उस पर मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये फोर्स लगाने पर इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा और ये मूव करेगा. अब ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन इसको रोक रहा हो, यहां पे इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहा हो, तो इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगा तो मास मूव नहीं करेगा. मतलब जैसे कि ये हमारे पास एक ब्लॉक था, इस पे मैंने एम मास का, इस पे मैंने फोर्स लगाया एफ वन, और एक पर्सन और ने यहां पे एफ टू फोर्स लगाया सपोज. अब उसने जब यहां पे एफ टू फोर्स लगाया तो उस केस में यह भी हो सकता है कि एफ वन एफ टू से ज्यादा हो, या फिर ये हो सकता है कि F2 F1 से ज्यादा हो, या फिर F1 और F2 दोनों बराबर हो. और यही बताएगा कि वो ब्लॉक मूव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. अगर F1 ज्यादा है F2 से तो यहां ये वाली फोर्स, तो ब्लॉक विल मूव इन द राइट वर्ड डायरेक्शन. अगर F2 ज्यादा है F1 से तो ब्लॉक विल मूव इन लेफ्ट डायरेक्शन. और अगर F1 F2 के बराबर है तो जो ब्लॉक है वो मूव ही नहीं करेगा, वो रेस्ट पर रहेगा.
तो हम लोगों ने एक चीज स्टडी करी कि फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है, या डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि ये F2 यहीं पे लग रहा हो, तो उस केस में हमें F1 प्लस F2 करना पड़ेगा। यहां पर क्या करना पड़ेगा, अगर ये वाली फोर्स ज्यादा है इसके मुकाबले, तो यहां पर हम लिखेंगे F1 माइनस F2, सिमिलरली यहां पर लिखेंगे F2 माइनस F1, लेकिन यहां पर तो जीरो ही हो जाएगा ना, क्योंकि अगर ये F1 F2 के बराबर है तो मास तो रेस्ट पर आ गया। तो उसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है फोर्स। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और फोर्स की जो यूनिट है वो सर आइसैक न्यूटन के नाम पर है, और फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है, फोर्स की जो यूनिट है वो है आपके पास न्यूटन, इसको हम कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं। तो फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन। व्हाट इज फोर्स, टू ओपन अ ड्रॉअर ऑफ एन अलमीरा वी नीड टू पुल द ड्रॉअर, एकदम सही बात है। अगर हम अलमीरा के ड्रॉअर को पुल करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि हमने फोर्स लगाया और ड्रॉअर ओपन हुआ, और या फिर अलमीरा ओपन हुई, तो वी वॉन्ट टू क्लोज इट, वी हैव टू पुश इट, पुल एंड पुश आर नोन एज फोर्सेस। हमने देखा होगा जो डॉक्टर्स के यहां जब जाते हैं हम, तो ग्लास डोर लगा होता है, तो ग्लास डोर पर धक्का मारा तो क्या होगा, पुश, और अगर हमने उसको खींचा तो हो गया पुल। तो वही सब चीजें कि पुश एंड पुल आर नोन एज फोर्सेस, बट फोर्सेस पुश और पुल के अलावा भी बहुत सब चीजें हैं। कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट कैन मेक द मूविंग ऑब्जेक्ट सेट टू बी एट रेस्ट, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, तो ये सब भी फोर्स कर सकता है। जैसे रबर बैंड को स्ट्रेच करोगे तो उस केस में भी हमने फोर्स लगाई है। महाभारत में वो होती है ना बकवास, वो धनुष जो होता है वो मारते हैं, तो उस केस में भी यही चीज है कि हमने क्या करा, थ्रेड को पुल करा, उसके बाद फिर आराम से एरो अपनी डायरेक्शन में गया, हमने उसको फोर्स प्रोवाइड करी ताकि वो पोटेंशियल एनर्जी थी बो के अंदर, और पोटेंशियल किसमें कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो यही सब है, और फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, फोर्सेस आर यूज्ड इन आवर एवरीडे एक्शंस, एकदम सही बात है कि फोर्स हम हर जगह देखते हैं, जिम वगैरह में, लिफ्टिंग में, स्ट्रेचिंग में, ट्विस्टिंग में या प्रेसिंग में। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ये बच्चा ट्रॉली को मूव करवा रहा है या ड्रॉअर को हम पुल करते हैं, तो उस केस में इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में मैंने आपको बताया कि फोर्स किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकता है, जो बॉडी मूव करी उसको रेस्ट पे ला सकता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, बॉडी के डायरेक्शन को या शेप और साइज में भी फर्क ला सकता है। नेक्स्ट देखो आप, यहां पर स्प्रिंग को हमने एक तो इलोंगेट करा है, कंप्रेस करा है, तो इलोंगेशन में भी फोर्स लग रही है। अगर मैं आपका हाथ मोड़ दूं तो उस केस में क्या होगा कि आपका हाथ दोबारा से अपनी पोजीशन पे अटेन नहीं कर पाएगा, आएगा दोबारा से, तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो दोबारा से बॉडी को अपनी ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन में ला दे। फॉर एग्जांपल ये स्प्रिंग का है, तो स्प्रिंग को मैंने कंप्रेस करूंगा, तो कंप्रेस करूंगा तो रिस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ लगेगी जो स्प्रिंग को दोबारा से उस पोजिशन में ले आएगी। उसी तरीके से देखिए बैलून का है, बैलून को हमने प्रेस करा, पुश करा, फिर उसके बाद फिर पुल, वो सब इसके अंदर आता है। जनरली टाइप्स ऑफ फोर्सेस दो तरीके की है हमारे पास, एक होती है बैलेंस्ड फोर्स, एक होती है अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स में क्या होता है जरा देखेंगे, बैलेंस फोर्स में जनरली क्या है कि हमारे पास ये देखिए, जैसे यही वाला ब्लॉक था हमारे पास, तो मैं यहां बना देता हूं, ये हमारे पास ब्लॉक था मास एम का, और यहां पे फोर्स लग रही है एफ वन, और यहां पे फोर्स लग रही है एफ टू, ठीक है। तो बैलेंस फोर्सेस में हमने ये पढ़ना है कि जो रिजल्टेंट होता है फोर्सेस का वो जीरो होता है। रिजल्टेंट कैसे जीरो हुआ, अगर यहां पे 4 न्यूटन फोर्स लग रही है और यहां पर भी 4 न्यूटन फोर्स लग रही है, तो रिजल्टेंट कितना हो गया, F1 माइनस F2 विल बी इक्वल टू 4 माइनस 4 विल बी इक्वल टू 0 न्यूटन। तो यहां पे जो है हमारे पास रिजल्टेंट जो है सबका वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो ये होगी बैलेंस फोर्सेस। नेक्स्ट आता है हमारे पास अनबैलेंस फोर्सेस। अनबैलेंस फोर्सेस में क्या होता है जनरली कि अगर यहां पर फोर्स इस जगह पर, अगर मैं थोड़ा सा यहां पे बना देता हूं, यहां पे फोर्स लग रहा है आपके पास F1, F लग रहा है 6 न्यूटन यहां पर, और इधर लग रहा है फोर्स आपके पास 4 न्यूटन, ठीक है, ये F2 हो गया, ये F1 हो गया। तो अब ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करेगा, राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, क्यों, क्योंकि F1 इज ग्रेटर देन F2, मतलब F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 6 माइनस 4 विल बी इक्वल टू 2 न्यूटन। तो ये क्या हो गई, ये हो गया हमारे पास अनबैलेंस फोर्स, जब रिजल्टेंट फोर्सेस का जीरो नहीं हो। नेक्स्ट न्यूटन लॉस ऑफ मोशन में पहला लॉ जो होता है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ये गैलीलियो के द्वारा बनाया गया था फर्स्ट लॉ, मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया, वैसे तो न्यूटन के ही है तीनों के तीनों, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल गैलीलियो वॉज द वन हु टोल्ड अबाउट द बेसिक नेचर ऑफ फोर्स।
तो सेकंड जो लॉ है उसको हम फोर्स का ही लॉ कहते हैं, जनरली उसको हम कहते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है। और थर्ड लॉ होता है एक्शन और रिएक्शन, मतलब चाटा मारा और दूसरे दोबारा चाटा मार दिया तो मुन्ना भाई टाइप, तो उसके इसमें एक्शन और रिएक्शन जो होता है। जनरली हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मैंने इस मार्कर को मैंने इस हाथ पे रखा हुआ है तो ये मार्कर मेरे हाथ पे फोर्स लगा रहा होगा, वेट लगा रहा होगा अपना, और वो वेट कहां लगा रहा होगा, नीचे की तरफ। लेकिन अगर वो नीचे की तरफ वेट लगा रहा है तो इस मार्कर को मेरे हाथ में घुस जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ ने भी इस मार्कर के ऊपर फोर्स लगाया, और वो किस डायरेक्शन में लगाया, ऊपर की तरफ। तो एक्शन क्या था, मार्कर का नीचे की तरफ, और मेरा रिएक्शन कहां है, ऊपर की तरफ। और एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं, सेम बॉडी पे नहीं लगते। जरा देखिए आप, एक्शन में क्या है, ये मार्कर जब मेरे हाथ पे था तो सिर्फ इसने अपना वेट लगाया एमजी, मेरे हाथ पे लगाया एमजी, और मेरा हाथ फिर एक बॉडी हुई। अब मेरे हाथ ने इस मार्कर पे फोर्स लगाया जो ऊपर की तरफ था, तो मार्कर और हाथ पे दोनों पे फोर्सेस लग रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि सिर्फ मार्कर पे ही फोर्स लग रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे दो बॉडीज इन्वॉल्व है तो दोनों बॉडीज के ऊपर फोर्स लग रही है, सेम बॉडी पे इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल फोर्सेस नहीं लग रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूटन थर्ड लॉ है इट इज एप्लीकेबल जब इट इज नोन एज मतलब एक्शन और रिएक्शन टेक्स प्लेस, और ये दो डिफरेंट बॉडीज पे लगाई जाती है, इट एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, न्यूटन थर्ड लॉ। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि फोर्स की ऐसा यूनिट तो हमने न्यूटन पर ही है, लेकिन सीजीएस यूनिट क्या होती है फोर्स की, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन, डी वाई एन ई, एक थी डाइन, एक थी डाइन, जो भी। तो आप देख लेते हैं एक बार, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि फोर्स की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। अब इस न्यूटन को हमें डाइन्स में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है जनरली वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, उस पर हम आएंगे अभी, मैं आपको बताऊंगा कि क्या है इसके बारे में। तो फोर्स एम इंटू ए, तो फोर्स हो गया न्यूटन में, तो फोर्स इज इक्वल टू मास, मास किस में हो गया, केजी में, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस पूरे को ही हम क्या कहते हैं, वन न्यूटन। तो अब फोर्स इज इक्वल टू, केजी को ग्राम में बदलना है तो 1000 ग्राम, और मीटर की जगह पे आ जाएगा सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स हो गया 1000 × 100 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, फोर्स इज इक्वल टू 10^5, मतलब फोर्स की जगह पे हम न्यूटन लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, वन न्यूटन, और यहां पर भी 1 न्यूटन। तो यहाँ पे 10^5 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस पूरे को ही हम क्या कहते हैं, एक न्यूटन में कितने डाइन्स होते हैं, 10^5 डाइन्स कहते हैं इसको। और डाइन्स कौन सी यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट, डाइन्स इज अ सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। न्यूटन्स लॉस हमने एक न्यूटन बना रखा है, उसके बाद गर्लीस है, शैम्पू भी नहीं करता न्यूटन तो। हाँ, इसके बारे में देखो, ये इसने गैलीलियो के आइडियाज लिए थे फोर्स के, फर्दर स्टडी गैलीलियो के आइडियाज ने मतलब स्टडी करे थे, और उसने 3 फंडामेंटल लॉस बनाए थे, और वो था पहला लॉ, लॉ फर्स्ट, लॉ सेकंड, और लॉ 3। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। और जो पहला लॉ है आपका वो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। और इस लॉ में ये कहा गया है कि अगर एक बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर वो मूव कर रही है तो वो मोशन में रहेगी, अंटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन इट। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे या कर रहे हैं तो उस केस में अगर एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो उसकी बॉडी में वो जो रेस्ट पे थी वो मोशन में आ जाएगी, और जो मोशन पे है वो हो सकता है और तेज मूव करने लगे या फिर रेस्ट पर आ जाए। तो बेसिकली क्या है कि जो पहला लॉ था वो ये कहता है कि अगर बॉडी चल रही है या रुकी हुई है तो वो रुकी है चलती हुई रहेगी तब तक जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही हो। तो यही था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, और उसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया का मतलब जनरली क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फैन है, फैन को मैंने स्विच ऑन करा और फैन मूव कर रहा है तेजी से, उसके बाद मैंने उसको ऑफ करा, तो अब क्या हो रहा है कि फैन एकदम से बंद नहीं हुआ, फैन ने अपने मोशन को रेस्ट करा और वो थोड़ी देर के लिए मूव करता गया लेकिन बाद में वो बंद हुआ। तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। इनर्शिया कुछ नहीं होता है, एक रेजिस्टिव फोर्स होती है जो भी, मतलब अगर हम उस पे इनर्शिया का मतलब ये हुआ कि कोई अगर मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, और अगर मैं उसको फोर्स लगाऊंगा तो चाहेगी कि उस पे फोर्स ना लगे, वो रेस्ट पे रहे, और अगर वो मूव कर रही है तो मूव करते समय अगर मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूं चाहे वो रेस्ट पे रहे तो वो फोर्स उस चीज को रेजिस्ट करेगी, चाहेगी कि वो मूवमेंट में रहे।
तो कहने का मतलब यह है कि इनर्शिया एक टेंडेंसी होती है किसी बॉडी की कि वो उस चीज को रेस्ट करता है। नेचर भी तो ऐसी है कि अगर आप नेचर को नुकसान करोगे तो नेचर भी हमें हार्म करती है किसी ना किसी रूप में। तो उसी तरीके से भी इनर्शिया का भी यही वो है कि इट बेसिकली रेज द चेंज इन मोशन। और इनर्शिया जो है वो मास पे डिपेंड करता है, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। अगर ज्यादा मास होगा तो उस बॉडी का इनर्शिया भी ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ये मार्कर बहुत लाइट है, इसमें फोर्स लगाता हूं आराम से मूव करेगा ये, इसका इनर्शिया कम है। लेकिन अगर वहां पे स्टोन होगा किक करूंगा पैर पे लगेगी, स्टोन को तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा मास होगा तो वो ज्यादा उसको रेस्ट करेगा, और अगर कम मास होगा तो वो उसको कम रेस्ट करेगा, जरा सी भी फोर्स लगेगी मूव करेगा। लेकिन अगर ज्यादा मास हो तो इसलिए कहते हैं कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, लार्जर द मास लार्जर विल बी द इनर्शिया, वाइस वर्सा स्मॉलर द मास स्मॉलर विल बी द इनर्शिया। और इनर्शिया की जो अगर मान लो यूनिट भी कहोगे तो मास पे डिपेंड करता है, तो क्या हो जाएगी केजी हो जाएगी जनरली। नेक्स्ट आता है आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन मास ऑफ अ बॉडी एंड इनर्शिया। हमने आपको वही बताया कि इनर्शिया जो है इट इज मेजर्ड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी। ग्रेटर द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी ग्रेटर विल बी द फोर्स। सही बात है, अगर ज्यादा इनर्शिया होगा तो ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। स्टोन जो है उस पर उसका इनर्शिया ज्यादा है, मास ज्यादा है, तो उस पर ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी ताकि वो मूव कर पाए। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया तीन तरीके के होते हैं, एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या है, अगर मान लो पैसेंजर्स रुके और बस में बैठे हुए हैं, बस चल नहीं रही है, और बस ने एकदम से मोशन स्टार्ट करा या फिर वो मूव करे तो कहीं ना कहीं वो रेस्ट करेगा। और मोशन में भी यही है कि मोशन वाले में क्या है कि अगर वो मूव कर रहा है एकदम से रोकना चाहे तब भी हमें धक्का लगेगा। तो दोनों किस्म में कोई ना कोई धक्का लगता ही है, रेस्ट में भी लगेगा मोशन में भी लगेगा। डायरेक्शन में क्या है कि अगर बस एक कर्व रूट पे जा रही है तो उस केस में क्या हुआ, अगर कर्व पाथ से मूव कर रही है तो उस केस में क्या है कि जो पैसेंजर्स होंगे वो चाहते तो हैं कि वो सीधा जाएं, लेकिन उनको कर्व पाथ में जब वो मुड़े तो उन्होंने उस चीज को रेस्ट करा और वो साइडवेज गिरे। तो वही सेम क्राइटेरिया रेस्ट पे भी है कि अगर वो बॉडी रेस्ट पर है अगर उसको मोशन में करना चाहे तो हमारी बॉडी उस चीज को रेस्ट करेगी, चाहेगी कि हम रेस्ट पर रहें। और मोशन में भी यही है, अगर हम मोशन में मूव कर रहे हो हमें कहेगी रेस्ट पे रहो एकदम से, तो तब हमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ना कि रुकने में। फॉर एग्जाम्पल जैसे बस से हम उतरते हैं तो एकदम से बस चलती हुई बस से उतरना कितना डिफिकल्ट है, इसलिए जब भी चलती बस से उतरो तो उस केस में भागते रहो, मतलब उतरे एकदम से स्टॉप हो गए तो गिरोगे पक्का। लेकिन अगर हम उसी बस की एक्सीलरेशन से मूव करते रहे, उसकी वेलोसिटी से मूव करते रहे, तो हो सकता है कि हम गिरे ना, मतलब एकदम से उतरना नहीं चाहिए, बस उतरना ही खतरनाक चीज है। कॉशन। नेक्स्ट आपके पास आता है कि मोमेंटम क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब होता है बेसिकली, अगर मैं बात करूं तो मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं पी से। और मोमेंटम जो होता है ये, इसकी डेफिनेशन ये है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रोसेस बाय द बॉडी। इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रोसेस बाय द बॉडी। मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी होती है, मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज मैंने बता रखा है, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज जिनमें एमडी होता है, एमडी का मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मोमेंटम जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, अगर मास ज्यादा होगा तो मोमेंटम ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास ग्लास है और मैंने यहाँ पे स्टोन रखा है, स्टोन हैवी स्टोन था, उसको मैंने गिराया, तो गिराऊंगा तो उस केस में वो उस ग्लास को ब्रेक कर देगा, क्रैक्स आ जाएंगे उसके अंदर बेसिकली। तो उसका मोमेंटम इतना ज्यादा है, उसका मास इतना ज्यादा है कि उसका मोमेंटम ज्यादा है, जिसकी वजह से उस ग्लास पे ग्लास क्रैक हो गया। और अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो पीस डायरेक्टली मोशन टू वेलोसिटी, ये भी होता है। क्योंकि अगर सपोज मैं तुम्हें दिया बुलेट्स दी और गन के बिना, और मैंने कहा चलो उसको मारो उसको, तो तुम बुलेट्स फेंकोगे तो क्या मर जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। तो जनरली क्या है कि अगर हमारे हाथ में तो इतनी वेलोसिटी नहीं है गन जैसी कि वो इतनी तेज स्पीड से मूव कर दिया कि वो पर्सन मर रहा है, तो ये तो ऐसा हो नहीं रहा। रीजन क्या है कि मोमेंटम ज्यादा होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा। सही बात है, अगर मैं गन से फायर करूंगा तो जो बुलेट होगी उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है तो उसका मोशन भी बहुत ज्यादा होगा, बहुत तेजी से होगा, और इसके कारण मोमेंटम में भी फर्क आएगा। तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। और अगर दोनों को क्लब कर दिया जाए तो मेरे पास आ जाएगा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी। इसकी जगह पे के लगा सकता हूं, के की वैल्यू जनरली एक्सपेरिमेंटली 1 है, तो पी इज इक्वल टू एम इनटू वी हो गया। तो मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया एम इनटू वी, जिसमें P मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम आप समझ लीजिए, इसे लीनियर कहिएगा।
स्ट्रेट लाइन में लीनियर मोमेंटम. तो लीनियर मोमेंटम इज पी इज इक्वल टू एम इन टू वी, वेयर एम इज द मास एंड वी इज द वेलोसिटी. और इसकी यूनिट क्या होगी, मास को हम मेजर कर सकते हैं केजी में और स्पीड को मीटर पर सेकेंड में. तो मोमेंटम की यूनिट हो गई केजी मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट आता है के पास न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकेंड लॉ ये कहता है कि अगर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. मतलब कहने का मतलब ये है कि ये बेसिक न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए डिराइव करता है. और इसने ये कहा कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, रेट मतलब डेल्टा टी टाइम, रेट ऑफ चेंज, चेंज का मतलब हो गया डेल्टा. तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, या फिर मैं कह सकता हूं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा पी बाय डेल्टा टी. अब यहां पर क्या हुआ, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी मोमेंटम है, तो डेल्टा पी का मतलब यह हुआ फाइनल मोमेंटम, मतलब पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाय टाइम. टी लिख सकते हैं, टी टू माइनस टी वन करेंगे वैसे हम जनरली, लेकिन अगर टाइम बहुत छोटा है तो टी हम यूज कर लें. तो एफ इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई हो गया. तो यहां पर सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू. वी यहां पे डिनोट कर रहा है फाइनल वेलोसिटी को और यू यहां पे डिनोट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी को. तो पी एफ जो है वो एम वी है और पी आई जो है वो एम यू है और यहां पे टाइम हमने लिख दिया टी. तो हमारे पास क्या आया, एफ इज इक्वल टू एम कॉमन ले लो तो वी माइनस यू बाय टी. और ये v माइनस यू बाई टी हमने स्टडी करा हुआ है काइनामेटिक्स में, मतलब मोशन चैप्टर में, उसमें था एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी. तो यहां पर v माइनस यू बाई टी की जगह पे a आ जाएगा तो f इज इक्वल टू एम ए आ गया. तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन. ये डेरिवेशन है जनरली या इसकी न्यूटन सेकेंड लॉ की कि f इज इक्वल टू एम इंटू ए. या फिर इसको याद करने का तरीका क्या है कि अगर मान लो तुम्हें किसी ने धक्का दिया तो चोट लगी और तुमने कहा क्या बोलते तुम, माँ, माँ आवाज आती है ना कि मतलब लगी जो देखो मेरे कोई माँ. तो वही है कि एफ इज इक्वल टू माँ, लेकिन एफ इज इक्वल टू एम ए. ठीक है, और मास किलोग्राम में, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन, याद रखिएगा. मोमेंटम की भी हम यूनिट निकाल सकते हैं फोर्स की टर्म्स में. वो कैसे, मोमेंटम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एम इंटू वी, और इसकी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. इसकी यूनिट ये होगी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ फोर्स, इन टर्म्स ऑफ न्यूटन क्या होगी. यहां पर हमें पता है कि जो फोर्स होता है वो मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, और मास क्या होता है, मास इज नथिंग बट केजी इनटू ए, ए क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो हमें, और इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूटन. तो हमें इस केजी मीटर पर सेकंड को केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनाना है. तो कैसे बनेगा, सेकंड से ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे भी मल्टीप्लाई करो, तो कितना बनेगा, केजी मीटर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर. और ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, न्यूटन. तो न्यूटन सेकेंड्स, इट इज द अनदर यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो न्यूटन सेकेंड्स आ जाए, अगर मान लो ओलंपियाड्स वगैरह में पूछ लेता है कि मोमेंटम की एक यूनिट क्या होती है न्यूटन सेकेंड्स, तो आप आराम से बता सकते हैं कि मोमेंटम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के अलावा न्यूटन सेकेंड्स में एक्सप्रेस किया जाता है. नेक्स्ट आता है कि एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ. सबसे बेसिक जो एग्जांपल आता है वो है कैचिंग अ क्रिकेट बॉल. सही बात है. फॉर एग्जांपल जैसे बैट्समैन ने जब शॉट मारा तो उस केस में वो क्या करेगा कि उसने बॉल को बहुत सिक्स मारने की उम्मीद कर ली, कैच आउट होने जा रहा है वो, तो उसने मारा बॉल को, फोर्स लगाई, तो जो फील्डर होगा वो क्या करेगा, अपने हाथ को एकदम से रख देता उस बॉल के सामने. रीजन क्या है कि अगर वो एकदम से रखेगा तो बॉल बहुत तेज स्पीड सारी इसके कारण उसके हाथ पे लग सकती है. तो वो क्या करता है कि उस हाथ को पीछे ले जाता है, और पीछे ले जाने का मतलब क्या हुआ कि अगर वो पीछे ले जाएगा बॉल के साथ साथ तो क्या होगा उसके साथ कि डिस्टेंस ज्यादा होगा, टाइम ज्यादा लगेगा रुकने में, और अगर टाइम ज्यादा लगेगा रुकने में तो फोर्स कम लगेगी, जिसकी वजह से उसके हाथ पे चोट नहीं लगेगी. इसलिए फील्डर्स वगैरह जो होते हैं वो हाथ को पीछे ले जाते हैं वाइल कैचिंग द बॉल, ताकि उनके हाथों पे चोट ना लगे. तो यही रीजन है, चोट क्यों नहीं लग रही, जरा देखें. एफ इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है यहां पर एफ इक्वल टू एम इंटू ए, और ए की जगह पे वी माइनस यू बाय टी इज इक्वल टू एफ. तो फोर्स और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर टाइम ज्यादा होगा तो फोर्स क्या होगी, कम लगेगी. टाइम ज्यादा, फोर्स कम, तो इसलिए फील्डर्स अपने हाथ पीछे ले जाते हैं. और एक और एग्जांपल भी हम ले सकते हैं इसके ऊपर, ये देख सकते हैं आप कि फील्डर जो है वो कैच कर रहा है, हाथ को पीछे ले गया. हाई जंप के दौरान भी यही होता है, सेम. हाई जंप में क्या होता है कि जब भी वो पर्सन जंप करता है तो वहां पे सैंड या रख देते, ताकि सैंड में जब वो धसेगा तो उसको रोकने के लिए टाइम मिल जाएगा, सैंड उसे रोकेगी बहुत
टाइम से रुकेगी, मतलब एकदम से रुकेगा नहीं, वो पेनिट्रेट करेगा कुछ पैर वगैरह पेनिट्रेट करेंगे सैंड के अंदर फिर जाके वो रुकेगा। लेकिन अगर वहां पे कंक्रीट फ्लोर होता तो वो तो भगवान को प्यारा हो जाता, यहां से गया कूदा और वहां पे कूदने के बाद वो कंक्रीट फ्लोर उसे कम टाइम में रोकता होगा, कम टाइम में रोक रहा है इसका मतलब फोर्स ज्यादा लग रही है और इसी की वजह से वो लूला वाला लूला हो सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जनरली क्या ये समझो कि अगर तुम्हें किसी भी चीज जैसे अगर फोर्स कम लगाने चाहते हो तो उस केस में हमें टाइम गैप को ज्यादा करना पड़ेगा, अगर टाइम ज्यादा होगा तो फोर्स क्या होगी कम लगेगी। और यही क्राइटेरिया है हाई जंप में भी हम यूज कर सकते हैं इसको और वाइल कैचिंग अ बॉल ऑल्सो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आर 2 kg एंड 20 kg व्हिच हैज ग्रेटर इनर्शिया। मैंने अभी बताया आपको कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ग्रेटर द मास ग्रेटर विल बी इनर्शिया, और इसमें मास ज्यादा किसका है 20 kg का, तो 20 kg विल हैव ग्रेटर इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास 1500 kg, व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप विद अ नेगेटिव एक्सीलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो गिवन जरूर लिखिएगा, गिवन से हमें यह पता चल जाता है कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दे रखी है उसको कैलकुलेट करने में फिर हमें आसानी रहती है। तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो रहे तो गिवन लिखे, उसके बाद फिर यू विल फील मतलब कि सही हो रहा है कि हाँ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कि हमारे पास मास गिवन है 1500 kg और फोर्स लगानी है हमें और व्हीकल इज टू बी स्टॉप विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव है इसका रिटार्डेशन हो गया है, तो -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हमें इसमें फाइंड करना है फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है एम इंटू ए और मास कितना है 1500 इंटू 1.7 तो ये पॉइंट हटेगा यहाँ पे जीरो आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 17 + 8 25 न्यूटन हो गया माइनस में, ये रिटार्डिंग फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स है तो इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव लगा रखा है क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तुम्हारा एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। तुम्हें मैंने बता रखा है कि ए इज इक्वल टू बी माइनस यू बाई टी होता है और अगर हमारा यू बी से ज्यादा हो रहा है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो उस केस में ये जो फोर्स है वो रिटार्डिंग फोर्स है। मास ऑफ अ बॉडी इज डबल, व्हाट हैपेंस टू द एक्सेलरेशन अंडर द गिवन फोर्स, ये आप ट्राई कीजिएगा क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला एम इंटू ए होता है, तो आप इसको एकदम से ट्राई कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा क्योंकि हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला जो है वो है एम इंटू ए और वो कह रहे हैं कि मास को डबल करो या कुछ भी करो, कीपिंग द फोर्स कॉन्स्टेंट रखिएगा, फोर्स को कॉन्स्टेंट रखिएगा अंडर गिवन फोर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन जो है अगर मैं लिखना चाहूं तो फोर्स अपॉन एम इज इक्वल टू ए हो गया, इसका मतलब एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा। तो इससे हम निकाल सकते हैं कि मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम लगेगा, मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये क्वेश्चन आ जाता है एनटीएससी में, एक बार पूछा भी गया है वाला क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, एक ट्रक है जो रेस्ट पे स्टार्ट कर रहा है तो यू की वैल्यू जीरो, उसके बाद हम कह रहे हैं कि वो हिल से रोल डाउन कर रहा है और कांस्टेंट एक्सीलरेशन से इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 400 मीटर्स, तो एस की वैल्यू है 400 मीटर्स और हमें एक चीज और गिवन है टाइम, टाइम गिवन है हमें 20 सेकेंड्स, ठीक है, और फाइंड इट्स एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालेंगे कैसे, हम हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सेकेंड लॉ वाला, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां पर एस क्या है, सेकेंड लॉ नहीं कहेंगे सॉरी, इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें एस है हमारे पास 400 और यू है जीरो, तो जीरो से जो टकराएगा वो जीरो हो जाएगा, तो जीरो इंटू टी जीरो हो गया, तो हाफ ए, ए निकालना है टाइम का स्क्वायर मतलब 20 × 20 हो गया, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 400 × 2 / 20 × 20, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 2 × 2 = 4 और ये कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन आ गया आपके पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। उसके बाद हम पूछ रहे हैं कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, अगर मास हमें गिवन है 7 metric tons और एक मेट्रिक टन में 1000 kg होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास अब हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मा एम ए, तो मास कितना है, मास गिवन है हमारे पास 1000 kg, 1000 × 7 कितना हो गया 7000 kg, एक्सीलरेशन अभी हमारे पास आया था कितना आया था, वो 2 आया था ना, तो ये कितना आ गया
14,000 न्यूटन आ गया. तो फोर्स इज 14,000 न्यूटन. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टोन ऑफ 1 केजी इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक एंड कम्स टू रेस्ट. इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनली जीरो हो जाएगी, और मास गिवन है हमें, और डिस्टेंस भी बताया हमें. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है. फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन बेसिकली जो रिलेटिव मोशन को पुश करता है. जैसे ये मार्कर है, मेरे हाथ पे रब कर रहा है, तो उस केस में क्या है कि ये आगे तरफ जा रहा है, और लेकिन मेरे हाथ की जो इरेगुलरिटीज हैं वो उसको रोक रही है आगे जाने से. तो वो रिलेटिव मोशन को रोकता है फ्रिक्शन. जनरली दो बॉडीज का, अगर दोनों बॉडीज मूव करे तो रिलेटिव मोशन को रोकेगा, रोकेगा, वो चाहेगा कि मार्कर आगे ना जाए, पीछे ही रहे. और फ्रिक्शन तो जरूरी भी होता है, जैसे लिखते समय भी फ्रिक्शन इज नेसेसरी. तो फ्रिक्शन को बेसिकली हम वैसे कहते हैं नेसेसरी इविल. तो नेसेसरी इविल क्यों कहा गया है? क्योंकि फ्रिक्शन के बिना काम नहीं हो सकता. ये भी है कि फ्रिक्शन की वजह से ही हम चल पाते हैं. बॉल जो है, अगर बॉल को तुम रोल करोगे विदाउट फ्रिक्शन, चलती ही रहेगी, लेकिन फ्रिक्शन होगा तो रुक जाएगी. तो फ्रिक्शन होना बहुत जरूरी भी है. और इविल क्यों है, वो शैतान क्यों है? क्योंकि अगर जैसे कि हम वॉक करते हैं तो हमारे शूज के जो सोल्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं, हीट की फॉर्म में जनरेट होता है. हमारे जब हम हाथ को रब करते हैं तो उसके में फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है. तो फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल. फ्रिक्शन जरूरी भी है और जरूरी शैतान है. मतलब जरूरी तो है ही फ्रिक्शन, लेकिन वो इविल का काम भी करता है कहीं. मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी वेइंग 5 केजी व्हेन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 20 मीटर पर सेकंड टू 0.2 मीटर पर सेकंड. पिछला वाला क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में. कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी वेइंग 5 केजी. मतलब मास आपको 5 केजी गिवन है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से 0.2 मीटर पर सेकंड, और हमें मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम निकालना है. चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला डेल्टा पी इज नथिंग बट P2 - P1 कह सकते हैं, या फिर यहां पर P2 - P1 है तो इसका यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा MV - MU. तो मास कॉमन ले लीजिए और V - U अंदर आ जाएगा. तो मास कितना गिवन है? मास आपको 5 केजी गिवन है. फाइनल वेलोसिटी कितनी गिवन है? फाइनल वेलोसिटी 20 गिवन है और ये 0.2 गिवन है. तो ये कितना आ गया, 520, और ये हो गया, ये कितना आ गया, 20 और ये 0.28, 19.8 आ गया ना, 10 10 10 2, हाँ 19.8. उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 40 49 99 के आसपास आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या फिर एक यूनिट और होती है न्यूटन सेकेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अ फेदर ऑफ मास 10 ग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट. ड्रॉप करा गया, ड्रॉप करना, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी. इट इज फाउंड टू फॉल डाउन विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है तो एक्सीलरेशन जीरो होगा, और अगर एक्सीलरेशन जीरो है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू ए, और ए जीरो तो फोर्स विल आल्सो बी जीरो. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉक्स ऑफ मास 20 केजी. फोर्स लग रही है 100 न्यूटन, मास है 20 केजी, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉक्स. बहुत आसान है, एफ इज इक्वल टू एम ए. एफ हमारे पास 100 न्यूटन गिवन है और मास गिवन है 20, तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन इक्वल टू एफ अपॉन एम. तो 100/20 मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया. इफ द मास ऑफ अ बॉक्स वर हाफ, अगर बॉक्स के मास को तुम हाफ कर दो, तो पहले 20 था अब 10 हो जाएगा, तो व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉक्स. तो 10 है तो कितना आ गया, एफ इज इक्वल टू एम इनटू ए, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन एम. 100/10 कितना आ गया, 10 न्यूटन आ गया. नहीं सॉरी, 10 न्यूटन क्यों आएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा ना, क्योंकि हमें एक्सीलरेशन करना है और एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. नेक्स्ट, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, और उसके बाद हम मैं इसके और क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, और न्यूमेरिकल्स हम करेंगे इसके, फोर्स और फोर्स लॉस ऑफ मोशन के, और कुछ चीजें समझाऊंगा जैसे टेंशन फोर्स क्या होती है जरा बहुत. तो आप अभी घर पर सॉल्व कीजिएगा न्यूमेरिकल्स, जो भी आपको प्रॉब्लम आए आप इसे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. थैंक्स.